तो वीडियो बनाते बनाते कैसे 2022 बीत गया पता ही नहीं चला। 2023 अब आ चुका है, तो नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए खुशियों से भरा हो एंड हम यही दुआ करते हैं कि आपके सारे ड्रीम्स पूरे हों। तो आज साल की शुरुआत करेंगे हम एक गेमिंग साउंड बार का रिव्यू करके, जो आता है ब्लॉपंक की तरफ से, ब्लॉपंक SBA 15। तो 1600 रुपए में मैंने इसको परचेस किया है अमेजोन से। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो परचेस लिंक नीचे पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो 1500-2000 रुपए की जो कैटेगरी है, इसमें काफी सारे साउंड बार ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। काफी सारी कंपनियां इस कैटेगरी में साउंड बार को लॉन्च कर रही है। तो जब से पोर्टेबल स्पीकर की मार्केट काफी हाई हुई है, तब से कंपनियां साउंड बार को भी पोर्टेबल कैटेगरी में ला चुकी हैं। हालांकि पहले साउंड बार पोर्टेबल नहीं होते थे, बट अब आपको पोर्टेबल साउंड बार काफी आराम से मिल जाएगा। तो बेसिकली कंपनियां क्या कर रही है कि ब्लूटूथ स्पीकर को ही साउंड बार की शेप में प्रेजेंट कर रही है आपके सामने। इसको आप साउंड बार, ब्लूटूथ स्पीकर कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि इनबिल्ट बैटरी का इसमें सपोर्ट है। एंड कंपनी इसको गेमिंग साउंड बार बोलती है। एंड गेमिंग वाली क्या इसमें फील है वो जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपना सपोर्ट दिखाइए। तो बॉक्स टॉप में ब्लॉपंक SBA सीरीज गेमिंग साउंड बार मेंशन है। यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स मेंशन, जर्मन साउंड एंड रिलायबिलिटी, तो मेड इन इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब असेंबलिंग इसकी इंडिया में हुई है। MRP यहाँ पे मेंशन है 3299 रुपीज। स्टॉप कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। रामपुरी मोड ऑन। तो यहाँ पे है इसकी यूजर मैनुअल, टाइप ए टू टाइप सी केबल साउंड बार को चार्ज करने के लिए, एक ऑक्स केबल। तो ये रहा फाइनली साउंड बार एंड काफी लाइटवेट लग रहा है हाथ में पकड़ने में। तो ओवरऑल बॉडी इसकी प्लास्टिक की बनी हुई है एंड प्लास्टिक क्वालिटी काफी एवरेज क्वालिटी की मुझे लगी। फ्रंट ग्रिल मेटल की दी गई है, यहाँ पे ब्लॉपंक की ब्रांडिंग है एंड साइड में RGB लाइट्स का सपोर्ट है जो उसके गेमिंग फील देते हैं। टॉप पार्ट में इसके सारे कंट्रोल्स हैं, प्ले बटन, वॉल्यूम रॉकर्स एंड मोड बटन, जिससे आप ऑक्स USB TF के भी स्विच कर सकते हो। नीचे के पार्ट में दो रबर पैडिंग्स हैं जिनकी क्वालिटी भी नॉर्मल है। पीछे के पार्ट में इसके सारे IOs, सबसे पहले है पावर स्विच, ऑक्स पोर्ट, TF पोर्ट, USB पोर्ट, तो पेन ड्राइव से आप को प्ले कर सकते हो एंड टाइप सी पोर्ट इसको चार्ज करने के लिए। तो इसका वेट हम चेकआउट कर लेते हैं, 606 ग्राम वेट है, तो काफी लाइट वेट है। तो 15 वॉट इसका पावर आउटपुट है, दो इसमें स्पीकर दिए गए इसके राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। 2000 mAh की इसमें बैटरी दी गई है, 7 आवर तक का प्लेबैक टाइम कंपनी क्लेम करती है नॉर्मल यूज में, बट अगर आप इसको मैक्स वॉल्यूम में प्ले करते हो तो बैटरी बैकअप आपको यहाँ पे और भी कम मिलेगा। कंपनी यहाँ पर बोलती है कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिसको कंपनी ने नाम दिया टर्बो वोल्ट का, बट कितनी जल्दी चार्ज हो जाएगा ये कंपनी ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है, सिर्फ फास्ट चार्जिंग मेंशन कर दिया है। वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए कौन सा ब्लूटूथ वर्जन इसमें यूज किया गया है ये भी कहीं मेंशन नहीं है। तो इसको ऑन करके अपने फोन के साथ पेयर करके चेकआउट कर लेते हैं। तो चाइनीज स्पीकर जो आपने देखे होंगे 100-200 रुपए के मिलते हैं रोड पे, स्टार्टअप टोन इसकी वैसी सी मुझे लगी। तो यहाँ पे ब्लॉपंक लिखा हुआ चुका है, इसमें हम कर देते हैं क्लिक पेयर। तो साउंड बार पेयर हो चुका है, साथ ही आप साउंड बार का बैटरी लेवल भी अपने फोन पे चेकआउट कर सकते हो। तो इसका FM प्ले करके भी हम चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी टाइप सी केबल आपको लगानी होगी, ये एज अ एंटीना वर्क करेगी। इसके बाद FM मोड पे एंटर करने के लिए आपको M बटन को दबाना है एक बार, चैनल को सर्च करना है आपको इस बटन से, प्लस एंड माइनस से आप प्रीवियस एंड नेक्स्ट चैनल पे स्विच कर सकते हो। मेरे रूम पे सिग्नल का थोड़ा सा इशू है, हो सकता है आपके रूम में अच्छे से वर्क करे। तो हम मेन काम कर लेते हैं, यानी इसका कर लेते हैं साउंड टेस्ट। तो साउंड टेस्टिंग के लिए मैं यूज करने वाला हूँ अपने प्रोफेशनल माइक्रोफोन का। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने हेडफोन्स का यूज करें एंड जो साउंड टेस्ट हम करने वाले हैं नॉन कॉपीराइट म्यूजिक पे करने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब में कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। तो अगर आप इसका हिंदी या पंजाबी साउंड टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं इसके साउंड आउटपुट की, कैसा है, परफॉर्म करता है। सबसे पहले कंपनी बोलती है कि 15 वॉट आरएमएस के साथ आता है, बट जहां तक मैंने इसका टेस्ट किया मुझे 15 वॉट जितना है लाउड नहीं लगा। इसकी लाउडनेस मुझे लगी तकरीबन 10 वॉट की स्पीकर जितनी। तो अगर 15 वॉट का समझकर इसको परचेस कर रहे हो तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि 15 वॉट वाला आउटपुट आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेंगे इसके बेस आउटपुट की। तो बेस आउटपुट में बोलूंगा इसमें है डी बेस, तो आप नहीं बोल सकते, ना ही ज्यादा पंची बेस आप बोल सकते हो। ठीक ठाक बेस इसमें आपको फील होगा, ज्यादा लाउड बेस भी नहीं है, थोड़ा थम्पीनेस आपको फील होगी बेस में। अगर आप स्पीकर को प्ले कर रहे हैं 50% वॉल्यूम तक तो आपको बेस काफी कम फील होगा, बट अगर आप स्पीकर को मैक्स वॉल्यूम में प्ले कर रहे हैं 80 या 100% पे, तब जाके आपको बेस थोड़ा हैवी इसमें फील होगा। तो ये भी एक चीज है, बहुत से स्पीकर्स में कम वॉल्यूम में भी काफी अच्छा बेस आउटपुट फील होता है, बट वो स्पीकर काफी एक्सपेंसिव भी रहते हैं। ट्रेबल्स यानी हाई फ्रीक्वेंसी में काफी शार्प ये परफॉर्म करता है, तो अगर आप ट्रेबल लवर हो तो डेफिनेटली आपको स्पीकर पसंद आएगा। अब अगर मिड्स में हम आते हैं यानी वोकल्स में, तो वो भी इसके मुझे काफी क्लियर लगे, ऐसा कोई डिस्टॉर्शन या मफल्डनेस मुझे फील नहीं हुई 80% वॉल्यूम तक। तो हाई फ्रीक्वेंसी एंड मिड फ्रीक्वेंसी में ठीक परफॉर्म करता है, बट लो एंड फ्रीक्वेंसी में ठीक ठाक परफॉर्म करता है, ज्यादा हैवी बेस आप एक्सपेक्ट मत करिएगा। डिस्टॉर्शन की बात करी जाए तो 80% वॉल्यूम तक काफी अच्छा परफॉर्म करता है, बट जैसे आप इसकी वॉल्यूम को मैक्स में करते हैं 100% पे तो हल्की फुल्की डिस्टॉर्शन इसमें फील होती है। डिस्टॉर्शन इसमें मुझे काफी कम लगी, बट जो साउंड है 80% से ऊपर काफी मफल्ड आती है, तो म्यूजिक सुनने में उतना मजा नहीं आता है। अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो 80% वॉल्यूम तक ही मैं आपको इसको रिकमेंड करता हूँ, उससे ऊपर मुझे नहीं लगता आपको मजा आएगा, बट अगर आपको शोर ही शोर करना है तब आप प्ले कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी लाउडनेस की। तो जैसा मैंने आपको बोला 15 वॉट कंपनी क्लेम करती है आरएमएस, बट 15 वॉट जितनी मुझे इसकी लाउडनेस नहीं लगी, 10 वॉट जितनी मुझे इसकी लाउडनेस लगी। तो 10 वॉट के हिसाब से इसकी लाउडनेस ठीक है, एक मीडियम साइज के रूम में आप इसे यूज कर सकते हो। बेस तो आपको ज्यादा हैवी फील नहीं होगा, बट लाउडनेस अच्छी खासी प्रोवाइड कर देगा। आउटडोर में भी यूज कर सकते हो, बट इसमें कोई आईपी रेटिंग नहीं है, वो चीज भी आपको देखनी होगी। एंड कंपनी इसको गेमिंग साउंड बार बोलती है, बट गेमिंग वाली इसमें मुझे कोई भी वाइब्स नहीं आई। थोड़ा सा डिजाइन इसका कंपनी ने डिफरेंट प्रोवाइड किया है, आरजीबी लाइट्स का सपोर्ट है जो म्यूजिक के साथ उतनी सिंक नहीं होती हैं बट जलती रहती हैं, तो खाली आरजीबी आपको गेमिंग वाली वाइब्स दे सकती हैं। बट अगर प्रैक्टिकलिटी में हम जाते हैं तो इसमें कोई भी लो लेटेंसी का सपोर्ट नहीं है। तो अगर आप गेमिंग कर रहे हैं ब्लूटूथ के जरिए तो आपको लेटेंसी इसमें काफी ज्यादा फील होगी, तो ब्लूटूथ में तो आप गेमिंग नहीं कर सकते, बट हाँ अगर आप ऑक्स केबल के थ्रू गेमिंग कर रहे हैं अपने पीसी में या मोबाइल के थ्रू, तो तब तो खैर आपको लेटेंसी फील नहीं होगी। तो इसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट भी है, तो उसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो अब इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स की हम बात कर लेते हैं। काफी सारे इसमें कनेक्टिंग ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, ऑक्स, यूएसबी, टीएफ, इसके साथ ही एफएम का भी इसमें सपोर्ट है, टीडब्ल्यूएस का सपोर्ट है, तो आप दो साउंड बार को एक साथ पेयर कर सकते हो सेम मॉडल के स्टीरियो साउंड के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की। सबसे पहला कॉन इसका मुझे लगा इसकी बिल्ड काफी एवरेज क्वालिटी की है, प्राइस पॉइंट को देखते हुए हम ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते। एंड इसमें कोई भी आईपी रेटिंग नहीं है, तो अगर आप आउटडोर में इसको यूज कर रहे हो तो आपको थोड़ा ध्यान से इसको यूज करना होगा पानी वगैरह से बचा के। एंड इसमें कौन सा ब्लूटूथ वर्जन यूज किया गया है ये भी कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया है। आई थिंक ब्लूटूथ वर्जन यहाँ पे काफी ओल्ड यूज किया गया है, तभी कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। अगर लेटेस्ट होता तो कंपनी ढोल नगाड़े के साथ उसको आपको बताती। तो अब इन द लास्ट बात आती कि आपके साउंड बार को परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अगर 1600 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो साउंड बार ठीक ठाक है, साउंड इसकी अच्छी है, लाउड है। सबसे पहली चीज, अगर आप गेमिंग के लिए साउंड बार को लेने की सोच रहे हो तो सावधान हो जाइए, इसमें लो लेटेंसी का सपोर्ट नहीं है, तो आपको काफी लेटेंसी फील होगी गेमिंग के दौरान। ऑक्स से करोगे तब तो नहीं होगी खैर। तो अगर आपका बजट है 1500-1600 रुपए, काफी सारे कनेक्टिंग ऑप्शंस की आपको नीड है, एफएम भी आपको चाहिए, टीडब्ल्यूएस भी आपको चाहिए, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बट अगर आपकी मेन रिक्वायरमेंट है सिर्फ एक स्पीकर लेना जिसकी साउंड अच्छी हो, तो इससे बेटर स्पीकर आपको मिल जाएंगे जो इससे पोर्टेबल भी है, काफी आराम से आपके पॉकेट में आ जाएंगे। जैसे हो गया ट्रिबिट, एक्साउंड सर्व, बोट, स्टोन 350, लाउडनेस उन स्पीकर की इसके बराबर ही है, आईपी रेटिंग भी वहां पर है, बट कनेक्टिंग ऑप्शंस आपको थोड़े से वहां पे कम मिलते हैं। सिर्फ ब्लूटूथ के हिसाब से ही वो फोकस्ड किए गए हैं, यहाँ पे आपको ऑक्स, यूएसबी, टीएफ भी मिल जाता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। बाकी आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप उस अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है साउंड बार से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर करने का ट्राई करता हूं एंड करता भी हूं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो मेरा नाम ऋतिक एंड मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।